कन्याकुमारी ओनली 8 किलोमीटर्स 7 5 3 2 1 आई एम स्पीचलेस आई एम एट द एंड पॉइंट ऑफ इंडिया। वेलकम बैक टू राइड विद मिकी। डे 6 टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कन्याकुमारी फ्रॉम तिरुवनलवेली। लगेज वगैरह सब पैक हो गया है। सो ये त्रिपाल मैंने लिया है अपनी बाइक पे, इसको लगा दिया। ये बहुत बड़ा था, इसको मैंने आधा काट लिया, आधा ये है, आधा मेरे बैग में और पड़ा है। मैंने सोचा था कि इसके ऊपर भी लगा लूँगा, बट ये जो मेरे पास रेन कवर है ऑलरेडी एक बैग का, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल फिट आया है। सो दिस विल डू द जॉब। टैंक बैग का रेन कवर सेपरेट है, उसकी कोई मेरे को टेंशन नहीं है। सो अब ये हमारी 2 घंटे की ड्राइव है, ज़्यादा बड़ी ड्राइव नहीं है। सो यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, रास्ते में आपको दिखाते हैं क्या क्या है, एंड फाइनली पहुँचते हैं कन्याकुमारी, एंड ऑफ इंडिया। ब्रेकफास्ट मंगाया, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से मिले। तो टिपिकल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ही होने वाला है, वही ऑर्डर करा है, दिखाते हैं आपको जब आता है, और उसके बाद फिर खा के निकलते हैं। तो ये आ गया है जी हमारा ब्रेकफास्ट, इडली वड़ा एंड दिस इज उपमा सम स्वीट डिश सांभर एंड चटनी। सब खाते हैं और फिर सफ़र पर निकलते हैं। सो आई गॉट नाउ डोसा ऑल्सो एंड दिस इज़ पूरी एंड सब्जी विद दिस आलू का सब्जी। और मेरे को पता नहीं था इतना सब दे देंगे यार, ये बहुत ज़्यादा हो गया। कॉफ़ी मंगाई है मैंने, इसको किसी तरह ख़त्म करते हैं और कॉफ़ी पी के निकलते हैं। टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल फिल्टर कॉफ़ी इज हियर, कितनी बॉटल्स इतने, और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। सो देयर इज अ प्रॉपर स्टाइल टू हैव अ फिल्टर कॉफी। दिस टम्बलर एंड दिस कप, यू नीड टू पोर इट इन, देन यू नीड टू पुट इट बैक, देन यू नीड टू सिप इट। थैंक्स। चार्जिंग क्यों नहीं ले रहा? यहाँ चार्जिंग ले रहा है, इसमें चार्जिंग नहीं ले रहा, फ्यूज़ उड़ गया होगा, देखना पड़ेगा, देखेंगे कन्याकुमारी में ही जाकर। तो चलिए जी आज की अपनी डेस्टिनेशन लगाते हैं कन्याकुमारी। ओके, सो 1 घंटा 17 मिनट का रास्ता है सिर्फ, 82 किलोमीटर्स, और सीधा अपना होटल ही लगाते हैं ना, होटल श्री देवी कन्याकुमारी। ये हमने लगाया होटल श्री देवी कन्याकुमारी का रास्ता। ट्रिप मीटर हमारा जो है, हम इसको कर लेते हैं 0 ट्रिप ए को। मैं आपको दिखा तो दूँ पहले, सो दोबारा दिखाता हूँ। सो ये ट्रिप ए है, 279.8 किलोमीटर, थोड़ा लोकल भी चला हूँ। ये हमारा जो है रामेश्वरम से ये हमने रास्ता तय करा था, और हमारे को माइलेज मिली है 39.5 की, जो कि अच्छी है। ओवरऑल हम अब तक 1708 किलोमीटर चल चुके हैं बस, वाओ, और ओवरऑल माइलेज 39.2 विच इज़ अमेजिंग। सो अब हम ट्रिप ए को करते हैं यहाँ से 0, और ये हो गया 0, और करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट। फ्यूल अप कराना है, सो फ्यूल अप कराते हैं, उसके बाद देन वी विल हिट द रोड्स। टिल देन ये ग्लव्स मैं अंदर रख लेता हूँ। हाँ जी, तो हमार को ये बता रहा है नीचे से, और यहाँ क्या बता रहा है, कन्याकुमारी स्ट्रेट। हम कन्याकुमारी स्ट्रेट पुल के ऊपर से जाएंगे ना। वी आर अबाउट टू लीव तिरुवनलवेली, पर लेट मी टेल यू दिस इज़ अ मिड वे एक्चुअली, ये बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा, और वापस आते हुए भी हमारे को तिरुवनलवेली से ही होते हुए जाना है। सो 6 दिन हो गए हमारे को रोड के ऊपर चलते हुए, इधर उधर घूमते हुए, और बिलीव मी ऐसा लग रहा है कि मैं कल ही निकला था, और इट्स एन अमेजिंग फीलिंग लेट मी टेल यू। सोचने में डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि इतना लंबा राइड है यार, देखो 1700 किलोमीटर हम तक चल चुके हैं अब तक, तो इट्स नॉट अ जोक। बट लेकिन हाँ, जब आप शुरू करते हो तो आप थोड़ा लगता है ऐसा कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और लेकिन जब आप 25% कर लेते हो ना अपना रास्ता कवर, अपनी जर्नी, तो आपको लगता है कि है पूरा ही करेंगे, अब क्या दिक्कत है। अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं आप लोगों को मुनार और अलेप्पो नहीं ले जा सका, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश हो रही है,
एंड जितने भी लोगों से मैंने बात करी उन लोगों ने बोला कि केरला की बारिश बहुत खतरनाक होती है, यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव, बहुत हैवी रेन होती है एंड इट्स वेरी रिस्की ऑल्सो, सो यू शुड नॉट गो। सो दूसरों की बातें माननी चाहिए, इसलिए मैं रुक गया। चलिए कोई बात नहीं, एक बहाना ही सही अब दोबारा आने का। फुल कहाँ? ओके जी, पे पे कार्ड पिन कार्ड मिसिंग 928.42 रुपीस, 9 लीटर 0.2, रेट इज 102.93 पैसा। सो चल दिए जी हम अपने कन्याकुमारी के रास्ते पे, निकल गए हम शहर से बाहर एंड आई एम रियली एक्साइटेड। या फाइनली वो दिन आ गया जब मैं अपनी कन्याकुमारी की राइड जो है कंप्लीट कर लूँगा हाफ वे, बिकॉज अभी तो वापस जाना भी है। बट लेकिन इंडिया के आखिरी कोने पे पहुँच के मेरे को बहुत मज़ा आने वाला है। द रीज़न कि मैं ये प्राउडली बोल सकता हूँ कि आई हैव ड्रिवन एंड आई हैव रिडन ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। हाफ ऑफ इंडिया आई हैव ड्रिवन ऑन माई कार एंड हाफ ऑफ इंडिया नाउ आई हैव रिडन ऑन माई बाइक। सो आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ रोड्स फ्रॉम कन्याकुमारी और फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। आई वुड से अ पैदर एंड माई कैब। तो जितने भी लोग, जितने भी बाइकर्स हैं, जो भी लोग एडवेंचर राइड ड्राइव कुछ भी गाड़ी से, बाइक से, साइकिल से, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पसंद करते हैं ना घूमना जगहों को, सो बस इंडिया बहुत खूबसूरत है। पहले इंडिया देखिए फिर बाहर जाइए। सो मैं भी यही कर रहा हूँ, पहले मैं अपने इंडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि साउथ इतना खूबसूरत है, इतना डेवलप्ड है। अब मैं आया हूँ यहाँ, मैंने चीज़ों को एक्सपीरियंस करा, अपनी आंखों से देखा, तो मुझे पता लगा कि साउथ के छोटे छोटे जो टाउन्स हैं वहाँ का डेवलपमेंट लेवल अलग ही है। आप अगर हरियाणा हरियाणा इन जगहों पे आप जाते हैं तो आप मतलब क्या डेवलपमेंट दिखती है आपको, बट लेकिन आप जब साउथ आते हो तो बॉस मतलब चीफ मिनिस्टर्स को हर स्टेट के एक दूसरे स्टेट्स में जाना चाहिए और छोटे छोटे टाउन शहर जगहों पे घूमना चाहिए ताकि वो देख सके कि यहाँ क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या होता है, कंपैरिजन कर सकें और अपने स्टेट्स को, अपने अपने एरियाज को, अपने उनको जगहों को डेवलप कर सकें। सो प्रेडिक्शन रेन की है बट लेकिन अभी तो सूर्य देवता प्रचंड है बिल्कुल, और 75 किलोमीटर का तो सफ़र अभी बचा है, देखते हैं कि यहाँ आगे जाके सूर्य देवता अपना प्रकोप हमारे ऊपर दिखाएंगे या हमारे ऊपर जो है वर्षा होगी। हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं जी। सो अब हम आ गए हैं जी अंडरपास, जो कि हमारे को मिलाएगा नेशनल हाईवे 44 से ही है। इन फ्यू मीटर्स यस वी आर अबाउट टू मर्ज ऑन नेशनल हाईवे 44 अगेन एंड हेयर वी गो। ये 1 2 3 ये यार वाकई में मज़ा आता है इसमें चलाने में, वाकई में मज़ा आता है इसमें चलाने में, इसीलिए मैं खुश हूँ, सारे एफर्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। चलिए जी, तो टोल टैक्स आ गया है आज का पहला और हमारी जर्नी का पता नहीं कौन सा नंबर का, और आगे कितने हैं मुझे नहीं पता, बट लेकिन ये जो है नेशनल हाईवे 44 का टोल टैक्स है, जिसको मैं मानता हूँ कि वाकई यार लोग खुश होकर पैसा देते होंगे कि वाह। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ बट लेकिन ये दिल से निकली हुई बात है मेरे कि लोग कहते होंगे अरे भाई साहब लो 5 रुपये और एक्स्ट्रा रख लो, 10 रुपये और एक्स्ट्रा रख लो, इतना प्यारा रोड बना के दिया आप लोगों ने और इतना वेल मेंटेन्ड। सो हाय, 48 किलोमीटर्स ओनली लेफ्ट फॉर कन्याकुमारी। बाइक इज परफॉर्मिंग अमेजिंग। आई कैनॉट से इवन अ सिंगल नेगेटिव वर्ड अबाउट दिस बाइक। दिस इज अ सुपर बाइक एक्चुअली, आई वुड से। सो 48 किलोमीटर बचे हैं,
चलिए जी आपको दर्शन कराते हैं इंडिया के आखिरी कोने का, और 48 किलोमीटर पूरे करके वहीं पे आपको मिलते हैं जहां ये रोड नेशनल हाईवे 44 ख़त्म होता है। सो चलिए जी काउंटडाउन शुरू करते हैं यहां से माइलस्टोन का। 43 किलोमीटर टू गो। हाँ यार चर्च बहुत है साउथ में, रियली वंडरफुल चर्च है। क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैसिव कंस्ट्रक्शन, वेरी ह्यूज चर्च है, वेरी ह्यूज। क्या टाइम हुआ अभी, 10:30 बजे, चलो चलते हैं चर्च चलते हैं। सो आई डिसाइडेड टू गो एंड विजिट दैट ब्यूटिफुल चर्च। यस बिकॉज दैट्स अ ब्यूटी आई कैन सी। We have plenty of time with us. कोई जल्दी नहीं है जाने की कहीं पे भी। अन्ना चर्च चर्च इधर से, ये चर्च में जाने के लिए चर्च चर्च रोड हियर और इधर दिस Here only, yeah? Yeah, oh my god, under construction he has it. This church is under construction only. Huge architecture. Hindi or English, Anna? Huh? Hindi or English? Hey, wow, Hindi. Hindi, 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 Hindi or English? Hindi, Hindi, Hindi. Hindi आता? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता। तो मैंने रोड पे से चर्च देखा, ना ब्यूटीफुल चर्च। हाँ। So मैं इसलिए आया। हाँ। आई। हाँ? काम चलता है, मैंने सोचा चर्च बना हुआ होगा तो आई विल प्रे। मुश्किल नहीं, उधर प्रे करो उधर। हां आप किधर गए, आंध्र? मैं हैदराबाद से आया, अभी तो मैं रुका हुआ था इधर त्रिवेणल वैली। फिर अभी मैं कन्याकुमारी जा रहा हूँ, और कन्याकुमारी से फिर वापस तिरुपति, देन टू हैदराबाद। ये अभी बना था क्लास में हो गया। हां अभी नेक्स्ट अप्रैल 21 में ओपन। कैथलिक है ना? ले लद्दाख कश्मीर सब। बाइक में? नहीं वहाँ कार से गया था, बाइक में साउथ इंडिया। साउथ इंडिया काम क्या करता है? पैसा नौकरी करता है भाई, थोड़ा अंदर का देखा अच्छा है। अंदर का लेकिन बंद है ना, अंदर जाएगा कंस्ट्रक्शन? नहीं नहीं अंदर फुल सपोर्टिंग है। हाँ उन्हें भाग लान ला, कैसे जाएगा अभी चले। सो दे आर रिक्वेस्टिंग मी टू सी द चर्च फ्रॉम इनसाइड। अच्छे लोग हैं। सो चलिए जी दिखाते हैं आपको भी, अभी कंस्ट्रक्शन ही हो रही है। दिस अ मैसिव चर्च। So massive construction. Look at from this side. Very nice, very good. तुम्हें पेंट फुल कलर से आएगा तो अच्छा है। हाँ। पूरा गोल्ड व्हाइट। By the grace of God, next time कभी आऊँगा। Then I will see. पूरा complete हो जाएगा जब तक तो। Next time आने के time इधर है। हाँ। अप्रैल में अप्रैल में
वेरी नाइस। नेक्स्ट टाइम अगर गॉड बुलाएंगे तो दोबारा आएंगे इधर, तब आपसे मिलेंगे। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम है? जगन्नाथ। सर आपका? राजा। आप इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर ही। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके बाय। साला मैं साउथ में आया हूँ, इतने दिन हो गए, मैंने अब तक यहाँ का नारियल पानी नहीं पिया, विच इज़ रियली बैड। अब तो पीना पड़ेगा। अरे कहाँ उतार दी भाई। अरे यहाँ का पीला वाला नारियल मैं पीता आया हूँ पानी, इसको तो वापस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बाइक कभी रुकेगी नहीं। सो ये नारियल पानी बेच रहे हैं भाई साहब, ओनली 20 रुपीज़, तो उनसे नारियल पानी पीते हैं। ये पीला वाला, ये बहुत मीठा पानी होता है इसका। So 25 rupees I have paid, but let me tell you, पानी इतना मीठा नहीं था जितना मीठा हमारे उधर की तरफ मिलता है ना नारियल में, इसमें येलो वाले में उतना मीठा नहीं था। काउंट 8 कन्याकुमारी 18 kilometers, ये दिखाया मुझे बाइकर को, ये किसके बनाने बाइकर नहीं है। Silencer? This one? No, no. I can do saddling very easily. Stand and ride I can, for my tall. How, what is your height? 6'2". 6'2" may be problem. My height is 5'11". So I have installed handlebar risers. Again? No, it is an inbuilt handlebar. No. Risers are there. So these are the... So I decided, because again the shoe is touching my my shoe is touching, because mine is 11 size. So that may be the reason. Like this, no, the shoe is resting on the silencer. That may be the reason. Otherwise, I don't have any issues. But the best engine. Yeah. I'm coming from Hyderabad. I finished all India, 60,000. Oh, great. Solo. Oh. So you're going Kanyakumari, na? No, I came to Pulsai, Kulashekarapattinam. Saw that? No. Today is festival, you should go and witness. Okay. The temple festival. From here, if you go right inside Pulsai village. Okay, how far? 60 kilometers only. 60? From here. So while coming, let's see. Okay. Where you are going? I am going Kanyakumari. Then? Then I will be going to Tirupati. Then back to Hyderabad. Okay. कन्याकुमारी ओनली 8 kilometers, 7, 5, 3, 2, 1, first check out this Google map, National Highway 44, this is the dead end. उसके आगे अब समुंदर है, एंड द मोमेंट आई वॉज वेटिंग फॉर एंड आई वॉज ड्राइविंग फॉर ऑलमोस्ट 1800 kilometers नाउ इज हियर। सो दिस इज द लास्ट टर्न ऑफ
इंडिया, हेयर आई एम कन्याकुमारी। I'm speechless. You can see in front of me only sea ahead. As far as you can see, I am at the end point of India. I have accomplished what I have dreamed of, and I have shared it also. कुछ कहने को और बाकी है नहीं। कन्याकुमारी पहुंच गया मैं। यहाँ तक आने के लिए मैंने अपने घर से जो सफर शुरू करा था, वो तकरीबन 1800 किलोमीटर, 1797 किलोमीटर। थोड़ा बहुत इधर भी गया मैं, सीधा नहीं आया हूँ, बट लेकिन 1798 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर का सफर तय करके मैं आया हूँ यहाँ पर कन्याकुमारी देखने के लिए। इट्स रियली अमेजिंग। समय हुआ है 11:23 एंड आई कांट स्पीक इन वर्ड्स। माइलेज बाइक ने दिया 38.4 विच इज़ अमेजिंग। सो ट्रिप ए पे वापस चलते हैं। जो आज की हमारी जर्नी थी 89 किलोमीटर की हमने कर ली है। अब यहाँ खड़ी करते हैं बाइक और एक आध फोटो लेते हैं उसके बाद। ओह अमेजिंग यार। हाँ जी, तो हमने अपनी मंजिल पा ही ली। ये मेरे पीछे NH44 यहाँ एंड हो रहा है और मैं अपना कैमरा घुमाता हूँ। दिस जर्नी वॉज अमेजिंग रियली, एंड दिस इज़ अ मेमरी एक्चुअली विच आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट फॉर माई इंटायर लाइफ। सो बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा एंड वी हैव डन अराउंड 1800 किलोमीटर सिंस आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम हैदराबाद, एंड दिस बाइक हैज़ नेवर गिवन मी एनी ट्रबल। दिस हैज़ परफॉर्म्ड वंडरफुली। सो बाइक दिखाता हूँ आपको प्रॉपर इस जगह पर। So this is how the bike is looking, fully loaded, and it has performed really amazing. What a machine! I love it. 1800 किलोमीटर हमने तय कर लिया है और अब चलते हैं यहाँ से। धूप बहुत है होटल की तरफ और शाम को निकलेंगे अब कन्याकुमारी एक्सप्लोर करने के लिए। सो होटल चेक इन कर लिया है, होटल श्रीदेवी। चलिए आपको रूम टूर दे देता हूँ। सो दिस इज़ माई रूम। अच्छा ए सी रूम, डिसेंट रूम आई बिलीव। ऑल माई लगेज इज़ देयर एंड Yeah, it's around, it's 12, so I'm going to rest here for some time, and because it's very hot outside. So outside is very hot and humid. Right now it's not good to go. Around 4:35 I'll go at beach and I'll explore other places. I have entire day today and tomorrow also. थोड़ा rest करते हैं और फिर आपको मिलते हैं शाम को।